अस्सलाम वालेकुम, हेलो ब्यूटीफुल पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। केम विद अनदर वीडियो, यू रिक्वेस्टेड अ लॉट। इससे पहले मैं दो वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिनमें एक बर्तन वाली लिस्ट थी और रज़ाइयाँ तुलाइयाँ एट्सेट्रा, और जी इलेक्ट्रॉनिक्स की वन टू आल डिटेल आपको दे चुकी हूँ। उसके अकॉर्डिंगली आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि हमें दुल्हन के ड्रेसेस और उसके जूते और ज्वेलरी वगैरह की लिस्ट चाहिए, तो जो मैं अब शॉप करने जा रही थी तो मैंने अपने लिए एक लिस्ट बनाई है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जी शुरू करते हैं, वीडियो लाइक कर दें अगर पसंद आए तो, एंड पे लाइक कर दीजिएगा। जी ड्रेसेस, ओके, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रेस की तरफ आते हैं। 6 to 8 फैंसी ड्रेसेस आपने लेने हैं, जिनमें फुल वर्क फॉर्मल ड्रेसेस होंगे, जो बाद में आपके काम आएंगे जब आपकी शादी की जो दावतें होती हैं उन पर ये चलेंगे। और इसके अलावा 4 to 5 कहिए लॉन और विंटर ड्रेसेस, और एज़ पर सीज़न, जिस सीज़न में आपकी शादी हो रही है उसके अकॉर्डिंगली आपने लॉन या विंटर के ड्रेस बनाने हैं। अगर गर्मियों में आपकी शादी हो रही है तो 4 to 5 से ज़्यादा भी आप क्वांटिटी कर सकते हैं लॉन के ड्रेसेस की, स्टिच्ड, और कुछ आप अनस्टिच भी रख सकते हैं। और विंटर ड्रेसेस आप इतने ना लें, और क्योंकि ये इसलिए 4 to 5 लिखा है क्योंकि दूल्हे की तरफ से भी ये सारे ड्रेसेस हमें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बड़ी में उन्होंने ये सारे सूट वगैरह रखने होते हैं। जी इसके अलावा एक साड़ी, एक मैक्सी, एक लॉन्ग फ्रॉक। जी साड़ी जो है आपने ये ज़रूर अपनी तरफ से लेके जानी है, मे भी दूल्हे वाले ये ड्रेस ना बना रहे हों। ओके हो गया। उसके बाद जी ये जब मैंने नोट लिखा है, ब्राइडल लहंगा एंड वलीमा ड्रेसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। जी ये तीन ड्रेसेस, मेहंदी, वलीमा और बारात, ये इस लिस्ट के अदर देन होंगे। इसके अलावा जी अंडर गारमेंट्स 5 to 7 पेयर्स, ये मैंने ज़्यादा इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये तो मस्ट है जी। आपने उसके साथ अगर आप नाइट गाउन की एडिशन करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं। जी 1 to 2 जीन्स और वी शूटिंग शर्ट्स, शर्ट्स आप लॉन्ग अगर पहनते हैं तो लॉन्ग फ्रॉक भी चल जाएगी जीन्स पे, ये आपने ज़रूर लेके जानी है क्योंकि जब हनीमून पे आप जाते हैं तो आप कमीज सलवार या हैवी ड्रेस पहन के नहीं जा सकते। हिली एरियाज जहाँ पे सर्दी होती है वहाँ आप जीन्स चलेगी, और साथ स्वेटर्स और शर्ट्स और सूट भी यही करेंगी, यही आपने लेके जानी है। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं, जीन्स बिल्कुल नहीं पहनते ज़िंदगी में, कभी नहीं पहने, तो इसको स्किप कर दें। इसके अलावा जी आप अगर विंटर में आप कमिंग नवंबर जैसे दिसंबर इनमें आपकी शादी है, मई नवंबर में है, तो ये जर्सियाँ वगैरह ज़रूर आपने रखनी हैं। और 1 पोंचो, और पोंचो भी एक जर्सी की किस्म है, एक लेदर जैकेट आपने रखवानी है, लेनी है, और 2 to 4 जर्सीज लेनी है, और 1 स्वेटर हो गई। इतनी ही क्वांटिटी जो है वो दूल्हे की तरफ से होगी तो अच्छी खासी जर्सियाँ आपकी बन जाएंगी। इसके अलावा शॉल्स हैं, विंटर प्लस समर की शॉल्स भी आपने ज़रूर साथ लेकर जानी है। जी ओके हो गया। इसके बाद हम शूज़ की तरफ आते हैं, हम आते हैं शूज़ की तरफ। जी शूज़ में आपने 2 to 3 हील्स लेनी है, पेंसिल हील कैरी कर लेते हैं तो वो, अगर नहीं तो ब्लॉक हील ले सकते हैं हम, ठीक हो गया। 2 to 3 हील्स ही लेनी है, और 2 to 3 फ्लैट शूज़, और इसके अलावा 1 to 2 वेजेज़ अगर आपको पसंद हैं तो लें, वरना मैं नहीं ले रही, मैं इसको स्किप कर रही हूँ। और 1 जोगर, ये लाइफ सेविंग आपने ज़रूर लेके जाना है जब आप वो हनीमून वगैरह पहाड़ों पर या जहाँ भी जाएं, तो जीन्स के साथ जोगर ही चलेंगे, या अगर आप जीन्स नहीं पहनते तो किसी भी सूट के साथ भी जोगर चलेंगे, क्योंकि आप हील्स या फ्लैट शूज़, ओपन शूज़ पहन कर नहीं जा सकते, 1 जोगर आपने ज़रूर रखना है। ओके 3 पेयर्स ऑफ शॉर्ट सॉक्स, इसमें हमारे पास समर सॉक्स और जो ये एंकल से ऊपर होते हैं, और 3 पेयर्स ऑफ फुल सॉक्स लेनी है, विंटर सॉक्स। जी इसके अलावा शूज़ में हमारे पास यही चीज़ें आती हैं, सॉक्स और शूज़। इसके अलावा हम ज्वेलरी आइटम्स की तरफ आ जाते हैं, ज्वेलरी आइटम में आपकी कोई आइटम स्किप ना हो इसलिए ज़रूर देखिए। 1 ब्राइडल सेट जो लेना है अपने बारात के लिए, वो तो एक अलग है, आर्टिफिशियल पहने या गोल्ड पहने, गोल्ड मैंने वलीमे पर पहनना है और आर्टिफिशियल जो है वो बारात पर, गोल्ड में जो ससुराल और मेके दोनों का गोल्ड मिलाकर वलीमे पे पहनना है मैंने। और 2 to 3 पार्टी वियर फुल सेट्स लेने हैं आपने, जिसमें नेकलेस, इयर रिंग, चोकर एट्सेट्रा तीनों चीज़ें होती हैं। ओके हो गया।
इसके अलावा आपने 6 to 8 पेयर ऑफ इयर रिंग्स जो है ना सेपरेट लेने हैं। इनमें झुमके होंगे, हैवी इयर रिंग्स होंगे और कैजुअल इयर रिंग्स होंगे। कैजुअल में बिल्कुल ही सिंपल आपने नहीं ले लेने, कैजुअल इयर रिंग मतलब लाइट वेट हों और हैवी इयर रिंग्स और झुमका वगैरह 2-3 झुमके अच्छे लगते हैं, ठीक है। और 1 to 1 झूमर एनफ है, सेपरेट आपने ले लेना है। 1 to 2 झूमर ये सिर्फ जब आप मतलब किसी इनविटेशन पे जा रहे हैं तो एक झूमर मतलब टिक्का ना लगाएं आप, साइड पे झूमर का बहुत ट्रेंड चल रहा है तो आप मैंने ये लेना है एक। और इसके अलावा हेयर एक्सेसरीज में कैचर पिंस, पोनीज, जूड़ा पिन, बॉबी पिंस, हेयर स्टाइलिंग, फ्लावर एक्सेसरीज, फैंसी एंड हैवी मेटल क्लिप्स। जी ये आप इसको पता होगा कि फ्लावर एक्सेसरीज का क्या मतलब है, कि जब आप मतलब हेयर स्टाइलिंग करेंगे खुद से तो आपने वो एक्सेसरीज अपने बालों में लगा लेनी है। तो इसके अलावा जी 6 to 8 डिफरेंट कलर्स ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स अपने शीशे की लेनी है। 6 to 8 डिफरेंट कलर्स ऑफ बैंगल लेनी है, 12-12 चूड़ियाँ जैसे सेट होता है शीशे की, बहुत अच्छी रहती हैं, बहुत सूट करती हैं, आजकल दोबारा ट्रेंड में है। इनमें आप ग्लिटर वाली भी ले सकते हैं और सिंपल वाली भी ले सकते हैं। 2 to 3 मेटल सेट बैंगल्स, करा सेट, फैंसी बैंगल्स, कड़ा सेट जो है, कड़ा सेट आजकल बहुत मतलब ज्वेलरी जो ब्रांड्स हैं उनमें ये कड़ा और ये बैंगल्स बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगी जी। इसके अलावा रिंग्स, रिंग्स आपने 3 to 5 लेनी है, सिंपल नहीं लेनी, मतलब जैसे फैशन होता है सिंपल का वो नहीं लेनी, हैवी रिंग्स लेनी है, दुल्हन को वही सूट करती हैं। इसके अलावा आपने नेल पॉलिशेस ऑफ मैचिंग जो जो सूट आप ले रहे हैं, ब्राइट कलर, लाइट कलर जो भी ले रहे हैं वो आपने ले लेनी है। एटलीस्ट 5 नेल पॉलिशेस आपने ले लेनी है, ओके हो गया। इसके अलावा आपने नेल्स एक्स्ट्रा सेट देन ब्राइडल, एक तो ब्राइडल जो पार्लर वाली आपको लगा देगी, उसके अलावा आपने नेल्स रख लेने हैं, एक एक ही सेट रख लें, उसमें बहुत सारे फिंगर्स के होते हैं जी। इसके अलावा और उसके साथ ग्लू ज़रूर रखनी है, नेल किट, मैनीक्योर, पेडिक्योर, ये मैंने पिछली लिस्ट में आई थिंक नहीं लिखा था इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया है। एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ लैशेस 3 to 4 जी, ये आप जब खुद से तैयार होंगे तो आपको हेल्प करेगा, इसके साथ भी ग्लू और मेकअप जी। ये बस ज्वेलरी आइटम में यही चीज़ें आती थी, इसके अलावा मेकअप, लैशेस भी मेकअप में आप इंक्लूड कर दें। ब्यूटी बॉक्स आजकल ना बहुत कपड़े के और प्लास्टिक के और कपड़े के ज़्यादा चल रहे हैं, पहले वेलवेट के आते थे वो नहीं, उसके अलावा या मार्केट में जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। 1 to 2 किट लेनी है आईज़ के लिए, ठीक हो गया, आईज़ किट लेनी है, ज़्यादा कलर्स वाली लेनी है क्योंकि आपको शादी के बाद बहुत ब्राइट और ज़्यादा कलर्स की ज़रूरत पड़ती है जी। वाटरप्रूफ मस्कारा और लाइनर आपने ले लेना है, वाटरप्रूफ लाजमी हो ज़रूर चेक करके लीजिएगा। इसके अलावा आईज़ ग्लिटर 2 कलर्स, गोल्ड और एज पर योर चॉइस। इसके अलावा ब्लश पैलेट इसके सारे ब्रांड मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगी कि किन किन चीज़ों के आप किन किन ब्रांड्स के लेने हैं, ये सारे मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा बेस है, फेस पाउडर है, लिपस्टिक है, 4 to 5 शेड्स आपने लेने हैं, इसमें ग्लॉसेस होंगे और ग्लिटर्स होंगे प्लस मैट होंगे जी। इसके अलावा आईब्रो मेकर और ब्रश सेट होगा और प्राइमर होगा। अब जी मेकअप है, ब्रांड सजेशन मेरी सुन लें, लाइनर जो मस्कारा है वो मैक का लेना है, वाटरप्रूफ है, ये अच्छा रहेगा। आईज पैलेट्स मिस आईज पैलेट्स प्लस ग्लिटर जो होंगे वो आपने मिस रोज़ के लेने हैं, बहुत ज़्यादा रीजनेबल और बहुत 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 खूबसूरत इनकी पैलेट्स हैं, वो आपने लेनी है, ओके हो गया। और बेस फेस पाउडर जो है वो काशिश का आप यूज़ करें क्योंकि हमने हैवी मेकअप करना होता है शादी के बाद दावतों वगैरह में, तो बेस और फेस पाउडर जो है ये दोनों आपस में सिर्फ काशिश का ही सूट करेगा आपको। इसके अलावा अगर आप कोई भी आपको बेस पहले यूज़ करते हैं आपको सूट करती है तो आप ले सकते हैं। लिपस्टिक के ब्रांड सजेशन में आपके पास स्वीट टच है, मिस रोज़ है, ये रीज़नेबल भी मिलेंगी और प्यारे कलर्स और लिप्स को भी हार्म नहीं करेंगी। मेकअप का ब्रांड में लेना बहुत ज़रूरी होता है, लोकल मेकअप ना लिया करें। प्राइमर जो है ब्यूटीफाई बाय आमना और बेस्ट है, तमाम यूट्यूबर्स यही सजेस्ट करते हैं और मेरा अपना भी इस्तेमाल किया हुआ है इसलिए अभी दोबारा मैंने यही लेना है।
और इसके अलावा ब्रश, लॉन्ग ग्रिप ब्रश की ये सजेशन है कि एक लॉन्ग ग्रिप हो, सॉफ्ट क्रिस्टल हो, गुड ब्रांड, काशीज़ का ही ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रांड है, या इसके अलावा मैक, या लेकिन ये चीज़ ज़रूर जहन में रखिएगा, ओके हो गया। उसके अलावा नोट, नेवर बाय एनीथिंग ऑनलाइन, कोई चीज़ ऑनलाइन नहीं लेनी किसी भी ट्रस्टेड वेबसाइट के अलावा और ब्रांड्स के अलावा, लेकिन कोशिश करें मेकअप कभी ऑनलाइन ना लें, मेकअप आते आते टूट जाता है। ख़ुद जाकर लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, मॉल चले जाएं, किसी भी मॉल से जाकर अपने ख़ुद लेकर आएँ। इसके अलावा जो है वो परफ्यूम, वन ब्राइड प्लस वन ग्रूम परफ्यूम सजेशन यही है कि जे डॉट का लें। इसके अलावा आप जो पहले यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी? इसके अलावा अगर मेरी कोई चीज़ मिसिंग है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिसकी शादी होने वाली है उसको लिंक भेज दें, शेयर कर दें, और इन सारी चीज़ों की स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप दोबारा से अपने लिए रीराइट कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। और मेरा नाश्ते का टाइम हो गया है जी, ये मेरा नाश्ता आ गया है। मैं जब तक मैं नाश्ता करती हूँ आप इस लिस्ट को दोबारा से लिख लें। ज़िंदगी को एंजॉय करें, एक ही बार मिलती है, शॉपिंग करें, खूब एंजॉय करें अपनी शादी की। बेस्ट विशेज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।